हैदर को उसका सख्त मिजाज वालिद नकम्मा समझता है और हर वक्त डांट डपट करता रहता है। नाज़रीन, एक पाकिस्तानी फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही तहलका मचा दिया है। इस फिल्म को लेकर बहस और मुबाहसे इंतहा को पहुंच चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है कि इतना शोर शराबा किया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियल तौर पर इसे ऑस्कर के लिए भी भेजा जा चुका है। फिल्म फेस्टिवल में लोग हॉल फुल होने की वजह से फर्श पर बैठकर फिल्म देख रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह है इस फिल्म की कहानी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं व्यूज मैटर, मैं हूं अली डार। नाज़रीन, एक पाकिस्तानी फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही तहलका मचा दिया है, या यूं कह लीजिए कि इस फिल्म का जिक्र अब हर किसी की जुबान पर है। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को लेकर बहस और मुबाहसे इंतहा को पहुंच चुके हैं। कुछ लोग इसके हक में हैं और कुछ इस फिल्म के सख्त मुखालिफ दिखाई दे रहे हैं। बात हो रही है फिल्म जॉयलैंड की। अब सवाल यह है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है कि इतना शोर शराबा किया जा रहा है। इस फिल्म की रिलीज डेट 18 नवंबर की दी गई थी, लेकिन उससे पहले ही जॉयलैंड गुफ्तगू का मरकज बन गई है। यूं तो जॉयलैंड ने कांस फिल्म फेस्टिवल में 10 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन और 2 अवार्ड हासिल किए। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियल तौर पर इसे ऑस्कर के लिए भी भेजा जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में होने वाली फिल्म फेस्टिवल में भी जॉयलैंड को खूब सराहा गया था। यह भी सुनने को मिला है कि भारत में होने वाली फिल्म फेस्टिवल में लोग हॉल फुल होने की वजह से फर्श पर बैठकर फिल्म देख रहे थे। नाज़रीन, अवाम के लिए रिलीज होने से पहले ही इतनी शोहरत कमाने वाली इस फिल्म पर अब पाकिस्तान में मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। मेरी तरह आपको भी हैरानी होगी कि ऐसा आखिर क्यों किया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह है इस फिल्म की कहानी। अगर बात करें कहानी की, तो जॉयलैंड की कहानी घूमती है एक शादीशुदा मर्द के गिर्द, जिसका नाम हैदर है। हैदर को उसका सख्त मिजाज वालिद नकम्मा समझता है और हर वक्त डांट डपट करता रहता है। हैदर को एक ख्वाजा सरा बेबा के लिए बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम करने का मौका मिल जाता है। घर वालों की मुखालिफत के बावजूद भी हैदर अपना काम शुरू कर देता है। उसे पहली ही नज़र में ख्वाजा सरा बेबा से प्यार हो जाता है और वो उसी के गिर्द घूमना शुरू कर देता है। बेबा के साथ रहना हैदर को बेबा के घर, या यूं कह लीजिए उसकी दुनिया में ले जाता है। मुख्तसरन, फिल्म में एक शादीशुदा मर्द की ख्वाजा सरा में दिलचस्पी और दोनों के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात को नुमाया किया गया है। इस फिल्म की कहानी की वजह से पाकिस्तान में दो मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। एक जानिब इस तर्ज के मौजू पर फिल्म साजी और इसकी बैनुल अक्वामी कामयाबी को खूब सराहा गया है और कहा गया है कि इस फिल्म में कही बात एक हकीकत पर मबनी है, तो हकीकत से मुंह क्यों चुराया जाए। तो दूसरी जानिब एक तबके ने इस फिल्म को इखलाकी इकदार की खिलाफ वर्जी करार देते हुए यकसर तौर पर मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की एक बड़ी तादाद इस फिल्म को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का बूम करार दे रही है, मरकजी ख्याल की तारीफ कर रहे हैं, जानी मानी शख्सियात फनकारों को दाद दे रही हैं और ऐसी फिल्मों को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की ज़रूरत कहा जा रहा है। तो दूसरी तरफ बड़ी तादाद में लोग भरपूर इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। ऐसी फिल्मों को ना सिर्फ मजहबी और माशरती इकदार के खिलाफ तसव्वुर किया जा रहा है, बल्कि माशरे की बिगाड़ की वजह करार देकर इस पर फौरी पाबंदी का मुतालबा भी किया जा रहा है और सेंसर बोर्ड इस पर खासा मुतहरक है। सोशल मीडिया पर बरपा बहस के इस तूफान में बात अब गालम गलोच और इखलाकियात से गिरी जुमलेबाजी तक भी पहुंच चुकी है। पहले पाकिस्तान के मरकजी सेंसर बोर्ड की तरफ से जॉयलैंड की नुमाइश की इजाज़त दी गई, फिर सूबाई सेंसर बोर्ड की तरफ से भी NOC जारी किए गए, लेकिन अब ये इजाज़तनामा ये कहकर मनसूख किया गया है कि फिल्म जॉयलैंड में इंतहाई काबिल एतराज़ मवाद इस्तेमाल किया गया है, जिसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। बहुत से लोगों की तरह सेनेटर मुश्ताक अहमद ने भी चंद दिन पहले अपने एक वीडियो पैगाम में फिल्म जॉयलैंड पर पाबंदी लगवाने के लिए मुहिम चलाने का ऐलान किया था और ये दावा भी किया था कि फिल्में हम जिस परस्ती को फ़रोग देने की कोशिश की जा रही है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने यह भी कहा था कि ऐसी फिल्में बनाकर पाकिस्तान के माशरती इकदार पर हमले करने की मनसूबाबंदी की जा चुकी है। व्यूअर्स, जॉयलैंड, इसकी कहानी, इसकी कामयाबियां और इस पर उठने वाले तमाम इतराजात, पाबंदियां और इस वक्त चलने वाली सूरत हाल से आपको आगाह कर दिया है। अब ये फिल्म रिलीज़ हो पाती है, कब रिलीज़ होगी, तब्दीलियों के साथ रिलीज़ करने की इजाज़त मिलती है या कभी परमिशन मिलेगी ही नहीं, इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए करना होगा
चंद दिन और इंतज़ार। इजाज़त दीजिए, ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।